वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। रीजनिंग के अंदर हम वर्गीकरण का टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने कल टाइप सेकंड पढ़ा था अक्षर वर्गीकरण। आज हम टाइप थर्ड पढ़ते हैं संख्या वर्गीकरण। तो आप नोट कर सकते हैं टाइप थर्ड संख्या वर्गीकरण। संख्या वर्गीकरण देखो, टाइप थर्ड के अंदर हमने आपको संख्या वर्गीकरण में 15 क्वेश्चन दिए हैं और हम एक एक करके इनका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। ऑड इन आउट मतलब कि बेमेल शब्द को छांटना है, ठीक है। तो देखो 90 और 3 कितना है 93, 93 और 3 96, 84 और 3 87, 87 और 3 90, 58 3 61, 61 और 3 64। लेकिन यहाँ पर 44 में 5 जुड़ रहा है, 49 49 में 3 जुड़ रहा है, 52। एक तरीका तो यह है। दूसरा क्या है, 90 को जोड़ो और 96 को जोड़ो, दोनों को जोड़कर उसका आधा करो, 93 आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर दो का भाग दोगे तो बीच का आएगा। इसे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ रहे हो तो बीच का नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 13 का वर्ग कितना होता है बताओ। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 15 का वर्ग 225, क्या बताओ। 21 का वर्ग 441 होता है, लेकिन 431 है, तो ये इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बैठ गई बात, नहीं बैठी बताओ, नोट कर लो इसको भी। अब क्वेश्चन नंबर तीन देखो, 4:48, 6:180, 8:448, 9:639। इसमें देखो 4:4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में से 4 का स्क्वायर घटाओ आप, कितना बचेगा 48 बचेगा। 64 में से 16 घटाओ कितना बचेगा, 48 बचेगा, ठीक है। आगे देखो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 6 का स्क्वायर 36 घटाओ कितना बचेगा, 6 में से 6 का 0, 21 में से 3 का 18। तो इसका मतलब इसमें 6 का इस क्यूब में से क्या घटाना है, 6 का स्क्वायर, तो क्या है ये बिल्कुल आ रहा है 180। 9 का देखो, 9 का क्यूब कितना होता है 729, ये होता है 729 में से 81 घटाओ, 9 में से 1 गए 8 बच रहे, नहीं बच रहे बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये डी आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। स्कोर देख लो, 8 का क्यूब 512, 512 में से 8 का स्क्वायर 64 घटाओ, 12 में से 4 के कितने बचेंगे 8, 10 में से 6 गए 4, और 4 यहाँ और बच जाएंगे। इसका मतलब क्या है, डी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको एक बार दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो एक बार, 13:28.5 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रखा है 15:32.5, और सी ऑप्शन दे रखा है 19:38.5, 17:35.5। तो पहला जो ऑप्शन है ए, उसको सॉल्व करते हैं ए ऑप्शन को। यहाँ पर क्या 13:28 कितना है 28.5 है ना, तो 13 को सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, 13 गुणा करेंगे हम ढाई, ढाई से गुणा कर दिया हमने, क्योंकि 2 से करेंगे 26 आ रहा है, तो ढाई करके देखते हैं तो 28.5 आ रहा है। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 13:65 का 5 आ रहा है, हासिल 6, 13:26 से 32.5 आ रहा है, मतलब ये लगभग। तो एक बात देखो, 13 में से हम कितना घटाएं कि ये 28.5 बच जाए, तो 13 में से अगर हम 9 घटा के देखेंगे 9, तो 4 बच रहा है, इस 4 को आप इसमें से घटा दो तो कितना बच रहा है, 28.5 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, बच जाएगा अगर हम 9 घटाते हैं 13 में से तो, ठीक है। या आप लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर माइनस का 13 माइनस का 9, तब कितना आ रहा है बताओ, 28.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, आ रहा है ना। अब बी को सॉल्व करके देखो, आप बी को सॉल्व करके देखो, बी क्या है 15:28
32.5 है, तो माइनस क्या करेंगे, 15 को ढाई से गुणा करो, 15 को किससे गुणा करेंगे, ढाई से, कितना बच रहा है, 15 75 का 5 हासिल 7, 30 7 37, 37.5 बच गए। अब 37.5 15 में से कितना घटाएंगे, 10 घटाओ, 15 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, और 5 को किस में से घटाएंगे, इसमें से घटाओ, तो कितना आ रहा है, 32.5 आ रहा है। क्या बात आगे कि नहीं आगे समझ में, अब सी ऑप्शन को करके देखो, ठीक है, 19 अनुपात 19 को ढाई से गुणा करो, 19 95 का 5 हासिल 9, 19 2 38 और 9 कितने हो गए, 47.5, 47.5 को हम किस में से घटाएंगे, 19 में से 10 घटा के देखो तो 9 बचेगा, 9 घटाओगे इसमें से 17 में से 9 गए कितने बचेंगे, 8, और ये 38.5 बच रहा है, कितना बच रहा है, 38.5। ऐसे डी करोगे तो हो जाएगा, सब में 10 10 घटेगा, ठीक है, लेकिन ए में क्या कितना घट रहा है, यहाँ पर 9 घट रहा है, इसलिए इसका सही एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 7:392, 9:810, 15:3150 और 12:1872। तो 7 का क्यूब कितना है, 343 है ना, 7 का क्यूब 343 तो होगा, अब क्या जुड़ेगा इसमें, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जोड़ के देखो, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9 392 ये आ गया। इसमें देखो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है ना, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, जोड़ के देखो कितना रहा है, 9 1 10 8 10 11 के 1 7 8 9 ये आ रहा है बिल्कुल भी। 15 का देखो, 15 में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, 15 का क्यूब कितना होता है, 3375 में स्क्वायर जोड़ो, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 5 और 5 10 का 0, 7 2 10 का 0, इसका मतलब ये सी आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 3:14, 5:63, 7:172 और 9:355, बताओ इसके अंदर आंसर में क्या आना चाहिए, बताओ जल्दी से इसके अंदर आंसर में क्या आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। 3:14 है, 3 का क्यूब कितना होता है बताओ, हाँ 27 में 1 जोड़ेंगे, 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है कि नहीं होता, तो 3 का अगर हमने क्यूब किया तो 27 में 1 जोड़ा, 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है, 3 के क्यूब में प्लस 1 जोड़कर इसका आधा करना है, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 5 का क्यूब 125 में 1 जोड़ेंगे 126, और 126 का आधा करेंगे कितना जाएगा, 63, ठीक है। 7 का क्यूब 343, 343 में 1 जोड़ेंगे 344 का आधा कितना हो रहा है, बताओ यही हो रहा है क्या। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 में 1 जोड़ेंगे 730, 730 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, बताओ 350, तो 1 आ गया 700 का, 30 का था 15, 1 आ गया, तो 365 आना चाहिए, इसका मतलब इसमें क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना, ये इसे भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बताओ क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या आना चाहिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये देखेंगे कि 225 क्या है, बताओ वर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ हो रहा है ना, 81 भी वर्ग है और 576 भी वर्ग है और 256 भी क्या है, वर्ग है, तो ध्यान से देखेंगे 225 15 का वर्ग है और 81 9 का वर्ग है और 576 24 का वर्ग है, 256 किसका है, 16 का वर्ग है, तो इसको देखो 29 है ना यहाँ पर, ये 29 में 1 जोड़ो क्या आ रहा है, 30, 30 का आधा कितना होता है, 15 का वर्ग आ रहा है, और 17 में 1 जोड़ो 18, 18 में 9 का वर्ग आ रहा है, समझ में आ गए नहीं आए, बताओ 45 में 1 जोड़ो 46, 23 का वर्ग है कि बताओ भैया,
नहीं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो 512 क्या है बताओ, ये किसका वर्ग है बताओ, 8 का क्यूब है, सॉरी वर्ग नहीं है, और 1727 क्या है, 12 का क्यूब है, और 12167 क्या है, 21 का क्यूब है, नहीं 21 का नहीं है, 12167 किसका है, 20 का 8000 होता है, और 25 का कितना होता है, 15625, 3 का देखो ये 23 का क्यूब हो सकता है, किसका क्यूब है, 23 का क्यूब है, और 8000 किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है ना 8000, तो ये देखो आप इसमें 14 में अगर हम 2 का भाग दें 7, 7 में एक जोड़े 8 का क्यूब आ रहा है, 22 में 2 का भाग दो 11, 11 में एक जोड़ेंगे 12 का क्यूब, 46 में 2 का भाग दो मतलब 23, 23 में एक जोड़ेंगे 24 का क्यूब आना चाहिए, तो 38 में 1 का भाग 2 का भाग दो 19, 19 में एक जोड़ो 20, इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, बात बैठ रही, बैठ रही समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो 3 को 8 से गुणा करो, 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, है ना, और 3 तिया 9 इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, समझ में आया कुछ, और 5 25 और 6 9 54 और 4 तिया 12 और 3 2 6 मतलब ये इधर का इधर, और 2 3 6 और 7 6 42, मतलब ये आना चाहिए ना ऑप्शन में, पता लग गया क्यों आना चाहिए, क्योंकि 4 3 12 है पहले लिख रखा, 3 2 6 इधर का इधर लिख रखा, लेकिन इसमें 5 25 में इधर लिख रखा था ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर सॉरी 10 पढ़ो, 10वें में क्या आना चाहिए जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए इसमें, देखो इसमें क्या है, 15 में देखो, 15 में आप कितना जोड़ो, आप 3 जोड़ो 18 आ रहा है, और इसको गुणा करके देखो कितना आ रहा है, 15 8 120 का जीरो हासिल, 12 15 कम 15 12 कितने हो गए, 27 हो गए ना, 270 में आप एक जोड़ कर देखो कितना आएगा, 271 आ रहा है, 18 को किससे गुणा करना है, 21 से गुणा करके देखो, 18 कम 18 का 8 हासिल 1, 36 37 378 आ रहा है, एक जोड़ेंगे तो 379 आ जाएगा, ठीक है इसको जोड़ो, 12 12 में 3 जोड़ो 15 और 12 15 180 होता है, 180 में एक जोड़ करके आ जाएगा, 181 आ रहा है, और 16 × 17 17 6 102 सॉरी 17 में 16 में 3 जोड़ो 19 और इसको गुणा करेंगे 304 304 में एक जोड़ेंगे 305 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है इसमें, इसका बी ऑप्शन आना चाहिए, कितना आना चाहिए, बी ऑप्शन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में पहला ऑप्शन है 7:37, 18:49, 13:29, 24:51। तो देखते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। देखो 7 अगर हम 37 जोड़ें तो कितना आता है, 7 और 7 14 का 4, हासिल कितना 1, और 3 और 1 कितना आता है 4, तो समानिस आ रहा है। 8 और 9 17 का 7 और ये 6 जोड़ेंगे कितना जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 3 12 का 2, 3 और 5 और 1 6, 2 3 4, यार 42 आ रहा है क्या, 29 और 3 32 42, इसको जोड़ो 4 1 5 5 और 2 7, 75 आ रहा है। अब देखो 75 भाज्य संख्या है, 42 भाज्य संख्या है, 44 भाज्य, लेकिन 67 क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं बताओ, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बताओ कि इसके अंदर इसका आंसर क्या आना चाहिए। इस 12 के अंदर क्या आना चाहिए आंसर पता है ना, 44 आ रहा है ना, नोट कर लेना इसका ना। आगे देखो 63:39, 15:210, 18:306, 37:1331, ठीक है, करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखो 63 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 63 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 63 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, यहाँ 210 दे रखा है, इसका मतलब 15 ही घटा रखा है ना। यहाँ देखो 18 का स्क्वायर 324 होता है, और 18 घटाएंगे तो 306 ही आएगा ना, बिल्कुल। 37 का वर्ग कितना होता है बताओ, 35 का 1225, 36 का 1296, और 37 का कितना होता है, 1369 होता है क्या, और 1369 में 37 घटा के देखो, 9 में 7 के 2 आ रहा है, 6 में 3 के 3, और 1332 आ रहा है, ठीक है। 37 का कितना होता है, 1369 ही होता है ना, ठीक है। 37 का और करके देख लेते हैं, देखो ऐसे होता है 37, हाँ 1369 ही है ना, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कैसे निकलता है। ये 50 और 37 का डिफरेंस कितना है, 13 का है, 13 का वर्ग 169 को 69 यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ आ जाएगा हासिल। फिर 37 को 25 में से घटाएंगे 12, 12 में 1 जुड़ जाएगा 13, इसलिए 1369 आ जाएगा इसका वर्ग, ठीक है। और 37 घटाएंगे तो 1332, जो कि 1331 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है वैसे इसका। और 63 का कितना होता है, 50 से 63 कितना ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 का 69 यहाँ लिख देंगे, 1 हासिल बन जाएगा। और 63 में से 25 घटाओ कितने बचेंगे, 25 जब घटाएंगे 13 में से 5 गए 8, 5 में से 2 गए 3, 38 और 1 39, 39 69 दे रखा है, 39 69 में से 63 घटाओ तो बताओ कितना, 39 और 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, डी है। बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में बताओ क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, 7-71 और 11-111, और उसके बाद 8-81, उसके बाद 12-167, बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। देखो 7 को यदि हम 10 से गुणा करें 70 में 1 जोड़ेंगे 71, 11 को 10 से गुणा करें 110 में 1 जोड़ेंगे 111, 8 को 10 से गुणा करें 80 में 1 जोड़ेंगे 81, 12 को 10 से गुणा करें 120 में 1 जोड़ेंगे 121। इसका मतलब इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन दिए मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 15 में,
एक क्वेश्चन बताना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। बाकी आप नोट कर सकते हैं, और रीजनिंग में संख्या वर्गीकरण में आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।